नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी आज आपणे पेपर स्टाइल प्रमाणे अभ्यास करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी आइडियल अने पेपर स्टाइल साथे राखे। मंथली परीक्षामां कोर्स 1, 2 अने 3 पाठ सुधी पूछाशे। जो पेपर स्टाइलमां तमे जोयुं पाठ 7 धोरण 7 कोर्स 1, 2 अने 3 पाठ सुधी छे। तेमा प्रश्न पेलो विकल्पनो छे, तो आपणे त्रणेय पाठना विकल्प सौ प्रथम जोशुं। तो चालो शुरुआत करिए। आपणे विद्यार्थी मित्रों पाठ 1 विकल्प छे नहीं, एटले काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है, पेज नंबर 6। प्रश्न नंबर 1, सुबह कौन खुशी के गीत गाता है? जवाब शुं आवशे? चिड़िया। दुनिया पर कौन मुस्काती है? कलिया। कलिया दुनिया पर कब मुस्काती है? सुबह में। चौथो विकल्प, वर्षा ऋतु में बूंदे कैसी गिरती है? छम छम। कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? ठंडी। त्यार पछीना विकल्प जोशू। विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 11, कुत्ते की वफादारी, तेना विकल्प छे, कुत्ते की वफादारी कहानी से लेखक कौन है? लल्लूभाई रबारी। लाखा बंजारे के पास कौन सा प्राणी था? कुत्ता। त्रीजू, कुत्ता रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था, क्योंकि कुत्ता बड़ा वफादार था। लाखा बंजारा रुपयों की मदद के लिए कौन से नगर में पहुंचा? राधनपुर। पांचवू, सेठ ने लाखा के पास जमानत के रूप में क्या मांगा? कुत्ता। कुत्ते ने किसका पीछा किया? चोरों का। सातवां विकल्प, सेठ ने कुत्ते को कैसे थपथपाया? प्रेम से। आठवां, कुत्ता किससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा? जवाब शुं आवशे? मालिक से। नवमो प्रश्न छे, नवमो विकल्प आपवामां आवेलो छे, लाखा क्या देखकर चकित हो गया? चिट्ठी। दसमो विकल्प, सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया, क्योंकि कुत्ते ने सेठ के प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी। अग्यारमो विकल्प, लाखा ने कुत्ते की समाधि बनवाई, क्योंकि कुत्ता वफादार प्राणी था। त्यार पछी पेज नंबर बार विकल्प 12, यह समाधि कुत्ते की वफादारी की कथा खाली जगह को सुना रही है? संसार। जवाब में शुं आवशे? संसार। त्यार पछी तमे पेपर स्टाइल जुओ, प्रश्न 1-2 छे, खाली जगह छे, तो आपणे पाठ 1-3 ની ખાલી જગ્યા જોશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 6 રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ। પેલું, ખુશ્બૂ કી લહેરે સુબહ કો ઘરસે બહાર આ દોડ લગાતી હૈ? જવાબમાં શું આવશે? ખુશ્બૂ। જબ છમછમ બુંદે ગીરતી હૈ બિજલી ચમચમ કર જાતી હૈ? જવાબ શું આવશે? ચમચમ। हे जग के सिर्जनहार, प्रभो तब याद तुम्हारी आती है? अहीं जवाब शुं आवशे? सिर्जनहार। त्यार पछीनी खाली जग्या जोईए। पेज नंबर 12 पर प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जग्या, गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। बीजी खाली जग्या, कुत्ता बड़ा वफादार था। त्रीजी खाली जगह, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत चुका दूंगा। चौथी खाली जगह, अपने कुत्ते को देने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। पांचवी खाली जगह छे, चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। छठी खाली जगह, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। नौवीं खाली जगह, उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। दसवीं खाली जगह छे, लाखा ने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई। त्यार पछी प्रश्न छे,
बीजो अ पेपर स्टाइल में समानार्थी शब्द है तो आप पाठ एक थी त्रणना समानार्थी शब्द जोशू विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 9 पर समानार्थी शब्द है तमारे परीक्षा में तेना वाक्य लखवाना थसे नहीं मात्र समानार्थी शब्द लखवाना छे तो अहीं खुशी खुशीनो समानार्थी शब्द शू थसे आनंद। त्यार पछी 10मो पेज नंबर खुशबू खुशबूनो समानार्थी सुगंध बहुत तो ज्यादा अधिक कोई पण एक लखी सको मस्ती आनंद उल्लास सिर्जनहार यानी प्रभु याद यानी स्मृति। त्यार पछी पाठ त्रणना समानार्थी शब्द जोशू। पेज नंबर 17 विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 10 समानार्थी शब्द छे तट तो किनारा नाराज नाखुश सूद यानी ब्याज जमानत यानी जामीन शहर यानी नगर कुशल यानी होशियार मिश्री चीनी पानी जल हृदय सीना शव मृतदेह गोद यानी आंचल। त्यार पछी प्रश्न बीजो बजो पेपर स्टाइल में શું આપેલું છે વચન પરિવર્તનનો છે ને પ્રશ્ન તો ચાલો આપણે એ જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 9 પ્રશ્ન નંબર 10 વચન પરિવર્તન કીજીએ જો એક વચન હોય તો તેમાં બહુવચન કરવાનું બહુવચન હોય તો એક વચન વાક્ય છે પેલું કલી ખીલી નહીં હે આ કલી શું શબ્દ છે એક વચન તો હવે આપણે એને બહુવચનમાં ફેરવવાનું કલિયા ખીલી નહીં હે બીજું છે ચીડિયા ચહક રહી હે તો ચીડિયા ચહક રહી હે દરવાજે ખુલ્લે હે દરવાજા ખુલ્લા હે આદમી દોડતા હે તો આદમી દોડતે હે લડકિયા પઢ રહી હે તો લડકી પઢ રહી હે મેદાન હરા ભરા હે તો મેદાન હરે ભરે હે બિજલી ચમકતી હે તો બિજલિયા ચમકતી હે ખેત મે ધાન્ય ભરપૂર હે ખેતો મે ધાન્ય ભરપૂર હે અને નવમું આપેલું છે વસંત મે કોયલ કી કૂક સુનાઈ દેતી હે તો બહુવચન શું થશે વસંત મે કોયલો કી કૂક સુનાઈ દેતી હે। ત્યાર પછી વચન પરિવર્તન આપણે પેજ નંબર 9માં જ છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 2 ક શું છે લિંગ પરિવર્તન જો પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું તો આપણે એ પ્રશ્ન આગળ જોશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 17 પર લિંગ પરિવર્તન કીજીએ લડકા તો લડકી ઊંટ ઊંટની શેઠ શેઠાની દેવ દેવી શિષ્ય શિષ્યા બંજારા તો બંજારીન ઘોડા ઘોડી ગાય બેલ નાગ તો નાગિન રાજા તો રાણી આ હતું લિંગ પરિવર્તન તો પુલ્લિંગ હોય તો તેને સ્ત્રીલિંગમાં ફેરવવાનું અને સ્ત્રીલિંગ હોય તો પુલ્લિંગમાં। ત્યાર પછી પ્રશ્ન બીજો પ્રશ્ન 3 અ છે જો શેનો છે ખરા ખોટાનો તો ચાલો આપણે 1-3 પાઠના ખરા ખોટા જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 6 પર ખરા ખોટા આપવામાં આવેલા છે ગરમ હવા મસ્તી ઢોકર લાતી હે તબ હમે સિર્જન હાર કી યાદ આતી હે તો આ વાક્ય કેવું છે ખોટું પત્યા દરવાજે ખોલ ખોલ દુનિયા પર મુસ્કાતી હે આ પણ વાક્ય કેવું છે ખોટું વર્ષા ઋતુ મેં ચારો તરફ હરિયાળી છા જાતી હે સાચું। ત્યાર પછીના ખરા ખોટા જોઈએ પેજ નંબર 12 પર વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 3 ખરા ખોટા છે કે બંજારા અપને ઊંટો પર સામાન લાતા થા સાચું બંજારા અપને કુત્તે સે ના ખુશ થા આ વાક્ય કેવું છે ખોટું વ્યાપાર મેં બડા ઘાટા પડને સે લાખા કો માલ સામાન કી જરૂરત પડી ખોટું લાખાને શેઠ કો અપની જબાન પર વિશ્વાસ રખને કો કહા સાચું।
बंजारा बहुत दुखी होकर कुत्ता सेठ को देकर रुपये लेकर चला गया। आपड़ वाक्य केवू छे? साचू। कुत्ते को अपने पास आता देखकर लाखा बंजारा खुश हुआ। खोटू। सातमो जुओ, लाठी के मार से कुत्ते को कुछ नहीं हुआ। आ वाक्य केवू छे? खोटू। सेठ ने स्वयं कुत्ते को मुक्त कर दिया। आ वाक्य केवू छे? साचू। त्यार पछी नवमू जुओ, कुत्ते के गले में बंधी चिट्ठी देखकर लाखा प्रसन्न हुआ। खोटू। कुत्ते के शव को गोदी में लेकर लाखा फुट फुट कर रोने लगा। आ वाक्य केवू छे? साचू। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेपर स्टैंड में जुओ, प्रश्न त्रण ब शब्दकोश। शब्दकोष नो प्रश्न छे पेज नंबर 10 मां। तो शब्दकोष मां सौ प्रथम केवा शब्द लेवाना होय? स्वर वाला। जो अहीं तमे प्रश्न 12 मां जो उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान, मैदान। बीजू जो इरादा, कूक, गुजारिश, तरुवर अने मुग्ध। तो सौ प्रथम शब्दकोष मां एवा शब्द लेवाना छे स्वर थी चालू थता होय, त्यार पछी व्यंजन थी शुरुआत थती होय एवा शब्द लेवाना। पछी ककावारी प्रमाणे गोठवाना, पेला क आवतो होय तो ए शब्द, ख ए रीते। त्यार पछी जो पेज नंबर 17 पर आपेलू छे, तो सौ प्रथम स्वर आपेलो छे आश्चर्य शब्द पेला आवशे, पछी इसीलिए, लुटेरा, वफादार, वापसो। अहीं पण व आपेलो छे ने अहीं पण, तो सौ प्रथम केवो व जोवानो, सादो होय एवो, पछी कावाळा जोवाना, અને પછી છેલ્લે આપેલું છે સુંદર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 4 છે, એક બે વાક્ય માં જવાબ આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે પ્રશ્ન 4, એક બે વાક્યમાં જવાબ આપો, એટલે કે એક દો વાક્ય મેં ઉત્તર લખીએ। તો પેજ નંબર 3 માં બીજો પ્રશ્ન જો, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारों में गैस भरी हुई है इसलिए। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा कम होने या बिल्कुल न होने पर भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा होने पर वाहन ठीक से चलता है इसलिए। त्यार पछी पेज नंबर 4 पर चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? कुत्ता आराम कर रहा है इसलिए। कुंजड़ीन यानी फल सब्जियां बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़ीन सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली मोहल्ले जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे वाले को कोई अन्य सवारी नहीं मिली इसलिए। त्यार पछी चित्र पछी छे कि टायर के अलावा कौन कौन सी चीज़ें फट जाती है? तो गुब्बारा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मूनवॉकर जैसी चीज़ें फट जाती है। टायर क्यों फटा? तो टायर में अधिक हवा भर जाने से। त्यार पछी चौथो प्रश्न जो, टायर फटने के बाद लोगों पर क्या असर हुआ? तो टायर फटने से कुत्ता भागने लगा, मोची का सामान बिखर गया, गुब्बारे उड़ने लगे, कुंजड़िन की टोकरी गिर गई। त्यार पछी पेज नंबर 5 पर पहलो ज प्रश्न छे 5मो के टायर फटने का असर किन किन पर नहीं हुआ? तो वहां से गुजर रहे वाहनों पर नहीं हुआ। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची टायर फटने की आवाज से डर कर रास्ते पर आ गया। रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो रबर से टायर, गेंद, रबर बैंड, लिखा हुआ मिटाने का रबर जैसी अनेक चीज़ें बनती है। त्यार पछी पाठ 2ना प्रश्न जोशो पेज नंबर 7 पर कली का दरवाजा का अर्थ इस काव्य के संदर्भ में लिखे। तो इनो जवाब छे, कलिया भी अपनी पंखुड़ियों को खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। बीजो प्रश्न, प्रातः काल होते ही हमें कौन सा दृश्य देखने मिलता है? प्रातः काल होते ही
चारों ओर उजाला छा जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, ठंडी हवा बहती है। सृष्टि की अद्भुत रचना देखकर कवि को किसकी याद आती है? कवि को सृष्टि के सृजनहार ईश्वर की याद आती। चौथा प्रश्न, वर्षा होते समय आकाश में क्या दिखाई देता है? तो आकाश में बादल और चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में मैदानों, वनों और बाग बगीचों में क्या देखने को मिलता है? तो हरियाली लहराती दिखाई देती है। त्यार पछी पाठ त्रण ना आपणे प्रश्न जोशुं। पेज नंबर 12 पर पाटण कहाँ है? तो कि गुजरात राज्य में। पाटण गुजरात राज्य में है। पुराने जमाने में बंजारे क्या काम करते थे? तो व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम करते थे। पेज नंबर 13 पर प्रश्न त्रीजो, लाखा बंजारा का क्या काम करता था, कैसे? तो लाखा बंजारा अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़ मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले जाता था। बंजारे का नाम लाखा बंजारा क्यों पड़ा? क्योंकि वह लाखों का व्यापार करता था। बंजारा सेठ के पास क्यों गया? एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी थी। सेठ ने आखिर में कौन सी बात प्रस्तुत की? सेठ ने आखिर में गिरवी रखने के लिए कोई वस्तु न होने पर लाखा को उसका कुत्ता जब तक वह पैसे वापस न लौटा दे तब तक गिरवी रखने की बात प्रस्तुत की। कुछ दिनों के बाद सेठ के घर कौन सी घटना घटी? तो एक रात कुछ लुटेरे सेठ की दुकान को तोड़कर वहां से माल सामान चोरी करके ले गए। आठवां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते ने चोरी का पीछा करके क्या देख लिया? उन्होंने जहां माल छिपाया था उस जगह को। नौवां प्रश्न जो है, कुत्ते ने सेठ के सामान की सामने चोरी की बात कैसे प्रस्तुत की? कुत्ते ने भोंक भोंक कर। दसवां प्रश्न, कुत्ता सेठ को किस तरह छिपाए गए माल के स्थान पर ले गया? तो कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे इस तरह। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों, 11वां प्रश्न जो हो तमे कि सेठ की खुशी का पार नहीं था क्योंकि कुत्ते ने सेठ का चोरी हुआ माल सामान उन्हें वापस दिलाया था। 12वां, सेठ ने कुत्ते को क्या कहा? गले में पट्टे में चिट्ठी बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास तुम मुक्त हो, आजाद हो। 13वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, लाखा बंजारा कब और क्यों घर वापस आ रहा था? लाखा व्यापार में खूब रुपये कमाने के बाद सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए। त्यार पछी पेज नंबर 14वां प्रश्न, लाखा ने कुत्ते के गले में क्या देखा? एक चिट्ठी बंधी हुई देखी। 15वां प्रश्न, चिट्ठी पढ़कर बंजारे पर क्या असर हुआ? लाखा चकित हो गया। वह कुत्ते के शव को गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे बड़ा पछतावा हुआ। 16वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, लाखा चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलने लगा? हाय, ये मैंने क्या कर दिया। 17वां प्रश्न जो विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते का शव गोदी में लेकर लाखा ने क्या कहा? तो एमां पण एज जवाब आवशे, हाय यह मैंने क्या कर दिया। 18वां प्रश्न जो हवे विद्यार्थी मित्रों, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो के किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद कायम रखने के लिए। 19वां प्रश्न जो हवे विद्यार्थी मित्रों, लाखा ने कुत्ते की समाधि कहाँ बनवाई है? तो पाटण जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे बनवाई है। त्यार पछी पेपर स्टाइल में प्रश्न नंबर 5 जो विद्यार्थी मित्रों, कयो प्रश्न छे? प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो जो आज पेज नंबर 14, प्रश्न नंबर 5,
निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए, एमा 10 प्रश्न आपेला छे। प्रश्न नंबर 5 ना केटला छे? 10। आ बधा तमारे पाका करवाना छे व्यवस्थित रीते। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों पेज नंबर 7 जोवो। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न के उत्तर लिखिए। ए केटला पेज नंबर 7 पर 5 प्रश्न आपवामां आवेला छे, तो आ प्रश्न तमारे पाका व्यवस्थित रीते करवाना छे, जेथी करीने तमे परीक्षा में लखी सको। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं आपणे पेपर स्टाइल पूरी करीए छीए। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।